हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रूटीन हार्मोन पाउडर को यूज करके किस तरह से नया प्लान आप तैयार कर सकते हो। सारे जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, हम यहाँ पर इस तरह का ब्रांच ले लिया है। हम यहाँ पर हिबिस्कस का ब्रांच लिया है। आप जिस प्लांट को ग्रो करना चाहते हो उस प्लांट का ब्रांच ले लीजिएगा। यहाँ पर ब्रांच का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर तक कटिंग करना होगा। आप वीडियो में देख सकते हो, हम इस तरह से कटिंग कर लिया है। हम यहाँ पर इस प्लांट को उगाने के लिए आप देख सकते हो बालू ले लिया है और एक प्लास्टिक पॉट, और बालू के ऊपर हम देंगे कोकोपीट। आप सिर्फ बालू पर भी उगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रांच का नीचे की तरफ से ही रूट आएगा और हार्मोन पाउडर को भी नीचे की तरफ हम लगाएंगे, इसलिए लेवल कर रहे हैं चाकू की मदद से। आप वीडियो में देख सकते हो। यह है हमारा रूटिंग हार्मोन पाउडर। आप देख सकते हो, हम इसको ऑनलाइन से बाय किया है। आप इसको नर्सरी से या फिर ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखेंगे, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। इस ब्रांच को हम लगाने के लिए 1 से 2 चम्मच यूज करेंगे रूटिंग हार्मोन पाउडर। आप अपने हिसाब से इसको यूज कीजिएगा। सबसे पहले हम बालू को पानी देकर भिगा ले रहे हैं, उसके बाद ब्रांच को भी भिगा देंगे ताकि अच्छे तरह से रूटिंग हार्मोन इसमें लग जाए। अब देख सकते हो, हम यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया है, इसमें पाउडर को हम डालेंगे और फिर एक एक ब्रांच को लेकर ब्रांच से लगाएंगे। जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से रूटिंग पाउडर को लगाना है और फिर बालू के अंदर अच्छे तरह से बिठा लेना है। आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से एक एक करके हम बिठा रहे हैं। सारे ब्रांच को बिठा लेने के बाद अब हम इसमें कोकोपीट डाल देंगे। आप यहाँ पर कोकोपीट की जगह बालू से भी भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और हमारा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, सारे ब्रांच को हम बिठा लेने के बाद इसमें पानी देंगे, अच्छे तरह से पानी से भिगा देंगे। उसके बाद एक पॉली बैग लेकर ऊपर से इस तरह से ढककर रखना होगा। अब इस पॉट को छांव में रखना होगा जब तक इसमें रूट आ ना जाए। इस तरह से रखने के 1-2 हफ्ते के बाद आपको चेक करना होगा। अगर पॉट का वाली सूख जाए तब इसमें पानी देना होगा। पॉली बैग को खोलकर पानी देना होगा और फिर पॉली बैग को बांध देना होगा। इसी तरह से आपको इसमें जब तक रूट ना आ जाए तब तक करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो 25 से 30 दिन के बाद अब हमारा ब्रांच पर रूट आ चुका है। अब हम इसको निकाल कर एक पॉली बैग में लगाएंगे। किस तरह का रूट आया है हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सावधानी से ब्रांच को निकाल लेना है। आप देख सकते हो, अच्छे तरह से रूट आ चुका है। दोस्तों, इसी तरह आप अपने घर में रूटिंग हार्मोन को यूज करके प्लांट को ग्रो कर सकते हो। किसी भी फ्लावर या फिर फ्रूट का प्लांट आप अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हो। अब हम यहाँ पर सारे ब्रांच को इस तरह का पॉली बैग में एक एक करके लगाएंगे। हम यहाँ पर जो मिट्टी लिया है, मिट्टी के साथ
गोबर का खाद और बालू देकर मिट्टी को तैयार किया है। सबसे पहले इस तरह से पॉलीबैग को मिट्टी देकर भर देना होगा। उसके बाद ब्रांच को पॉलीबैग के सेंटर में रखकर मिट्टी से भरना होगा और फिर पानी देना होगा। आइए फिर एक एक करके हम पॉलीबैग में प्लांट को बिठा लेंगे। इस ब्रांच को इस तरह से पॉलीबैग में लगाने के बाद अब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रखेंगे, कुछ दिनों के लिए छांव में रखेंगे। जब इसमें अच्छे से पत्ते आ जाएगा, ब्रांच अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तब इसको हम धूप में रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपने घर में प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हो रूटीन हार्मोन को यूज करके। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अगर कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कीमती टाइम देकर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।